जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों अब तक हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखे, लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, इनफैक्ट काफ़ी बार मैंने ऐसे भी वीडियोस बनाए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स तो हमने बार बार कंप्लीट किए हैं और आगे भी कवर करने वाले, लेकिन इस बार मैं आपको ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिसमें मैं आपको इंटीरियर दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कोई सेल की प्रॉपर्टी या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाने वाला, बल्कि एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये पहले 1BHK हुआ करता था और अभी ये 1BHK 2BHK में कन्वर्ट किया गया है। तो जनरली काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि प्रॉपर्टी में अगर कहीं पर इंटीरियर करवाना है तो कितना एक्सपेंस आता है, किस तरह का इंटीरियर होना चाहिए। तो ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है तो हमें उसी पर्सन के साथ वो सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए, और आज मैं जहाँ पर आया हूँ तो उनका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो हमारे साथ में आज महेश सर हैं जिन्होंने ये पूरा फ्लैट डिज़ाइन किया, हालांकि ये 1BHK था जिसको 2BHK में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद पूरा इंटीरियर किया गया। तो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें महेश सर देने वाले कि क्या क्या एक्चुअल में इस फ्लैट में किया गया। तो महेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज के दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम और आदाब। मेरा नाम महेश पदे है, मेरे कंपनी का नाम महेश पदे एंड एसोसिएट्स है। मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड में एज ए प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर करके काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा एक इकोनॉमिकल येट एलिगेंट ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसमें कि आपको स्पेस सेविंग करके फ़ायदा कितना होता है वो सब आप लोग जान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको मालूम है, अपन स्टार्ट करते हैं लिविंग रूम से। तो लिविंग रूम में जहाँ से हम एंट्री करते हैं, वी हैव सेफ्टी डोर, जहाँ पे सेफ्टी के लिए आप देख रहे हैं कि आप एक डिज़ाइनर टाइप का जाली बनाया हुआ है। इसमें आपका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी आप अंदर हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि आप बाहर के लोगों को आप देख सकते हो और आपका प्राइवेसी भी ये रह जाता है। उसके बाद आता है अपना टीवी यूनिट। दोस्तों आजकल टीवी यूनिट में ऐसा है कि लोग स्लीक टीवी यूनिट बनाने के चक्कर में उसका स्टोरेज पार्ट भूल जाते हैं। हमारे ये टीवी यूनिट की खासियत ये है कि आपको प्रॉपर स्टोरेज मिल जाएगा, इसमें ये प्रॉपर स्टोरेज मिल जाएगा आपको, आपके जो भी डिवाइसेस है वो रखने के लिए जगह मिल जाएगी। और ऊपर से उसका ग्लास का एलिमेंट डालने की वजह से उसमें आपका थोड़ा जो नज़ाकत है वो भी बढ़ जाएगी, और ये पूरा आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करने को मिलेगा, ये स्टोरेज यूज़ करने को मिलेगा आपको। उसके बाद ये आपको इसी यूनिट का आपको हिस्सा लग रहा है, लेकिन ये एक डिफरेंट यूनिट है। ये डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर बैठ के 8 लोग खाना खा सकते हैं। ऐसे मैंने बोला तो आपको शायद अचरज होगा, लेकिन ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इतना जगह सफिशिएंट नहीं है, अगर गेस्ट ज़्यादा है, तो हम लोग इसको आगे लेके आएंगे और फिर इसका ये पार्ट भी हम लोग ये हो गया आपका 6 और 2 8। ये इतने मुंबई जैसे शहर में हॉल में अगर आपको कोई बताएगा कि 8 लोगों का डाइनिंग टेबल है तो आप शायद मानेंगे नहीं, लेकिन अभी जो है आपके सामने है। तो दोस्तों ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल को हम लोग ने फिर से उसके ओरिजिनल मोड पे ला के हम लोग इसको वापस उसकी जगह पे रख देंगे, और फिर आप वापस देख सकते हैं कि ये पूरा जो जगह है ये पूरा आपको फ्री मिल गया है। उसके बाद आई वॉन्ट यू टू सी दिस पोर्शन जो कि विंडो सील है, हमने थोड़ा लोअर कर दिया है, और ये प्रॉपर आपको जहाँ पे आप 1-2-3 लोग दोस्त आपके बैठ के प्रॉपर एक सीटिंग जैसा हो सकता है, यहाँ पे बैठ के आप चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कवरेज के व्यूअर्स, आप अगर देख सकते हैं मेरे पीछे तो ये एक पैसेज का एंट्रेंस है। पैसेज के एंट्रेंस में आपको दिखेगा कि ये पूरा ग्रेनाइट का जैम लाइन बना हुआ है। ये नॉर्मल भाषा में आप इसको फोटो फ्रेम बोलते हैं, तो इसका सही इस्तेमाल इसका इसलिए ये है कि जैसे हम लोग पैसेज में जाते तो हमको आदत रहती कि हम लोग ऐसा हाथ टेक के खड़े रहते हैं, तो आपके हाथ में जो भी पसीना या ऑयल भी जो भी रहता है वो आपको पेन को लग के वापस आपका ये कोना ख़राब हो जाता है। तो इसको फिट करने के बाद वो जो आपका क्लीनिंग का पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग अभी आपको किचन में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये हालांकि ये सिड़कों का ई टाइप का जो अपार्टमेंट है, इसका ओरिजिनल लेआउट थोड़ा अलग था, 1BHK उसको मैंने किया है 2BHK। तो आप जैसा देख सकते हैं ये आपका कॉम्पैक्ट किचन है, दिस इज़ मेन कुकिंग प्लेटफॉर्म। उसमें आपको स्टोरेज मिलेगा, माइक्रोवेव के लिए जगह मिलेगी, चिमनी मिलेगी और काफ़ी आपको स्टोरेज मिल जाएगा। उसके बाद ये पैरेलल प्लेटफॉर्म है, उसमें
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो और यहाँ पे एक ऐसे तीन लोग आराम से इसमें काम कर सकते हैं। इसको हमने कंसील किया है, इस जगह में हम लोग वाटर फिल्टर बिठा के उसको बाद में बंद कर सकते हैं ताकि वाटर फिल्टर दिखेगा नहीं और आपका काम भी होता रहेगा। ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको कुकिंग कटिंग वगैरह जो भी है इसका मिक्सर वगैरह वो आपको यूज़ करने को मिलेगा। बाद में ये जो विकर बास्केट्स है इसमें आपके जो ऑनियंस वगैरह जो जिसको ओपन एयर लगती है इसके लिए बना गया है। बाद में ये आपका स्टैंड वाला ये पुल आउट है, इसमें भी आप मसाले के डिब्बे वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद दिस इज़ अ टॉयलेट ब्लॉक, टेस्ट टॉयलेट आपको दिखेगा यहाँ पे। जगह भले आपको कम लगेगी लेकिन प्रॉपर आपको WC शावर स्पेस और एक छोटा वॉश बेसिन मिलेगा। ये प्रॉपर साइज़ है, इसमें पूरा कंफर्टेबल तरीके से आप स्नान करके प्रसन्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग टॉयलेट ब्लॉक से बाहर आते हैं लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा एक हैंड वॉश बेसिन किया हुआ है, यहाँ पे आप ब्रश करके या शेविंग के लिए आपको जगह है। और बाद में ये जो कॉलम और ये दरवाजे के बीच में जो जगह है उसमें स्पेस सेविंग, यहाँ पे आप आपका पूरा जो स्टोरेज है टॉयलेटरीज या जो भी एक्स्ट्रा स्टोरेज जो रहता है वो सब कर सकते हैं। बाद में इसमें आप झाड़ू या मॉपर वगैरह जो भी सब रख सकते हैं उसको यहाँ पे करने के बाद, कवर करने के बाद आपको दिखेगा भी नहीं। और चूंकि अपने को ये छोटा छोटा चीज़ जो है उसके पर ध्यान देने के लिए आपको ये ऐसे छोटी छोटी जगह का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ गेटिंग इट डन बाय द प्रोफेशनल इंटर डिज़ाइनर। बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा सब मैंने टाइल डेडो किया हुआ है, कि उसकी वजह भी वही है कि जैसे बाथरूम से बाहर आते हैं हम लोग बाल सुखाते या हाथ अपने गीले रहते हैं हाथ इससे रखते हैं, तो उसको बचने के लिए हम लोग ने उसका टाइलिंग किया है जो कि आपको एक फड़का मारेगा सब पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद आप आइए यहाँ पे हमने एक बेडरूम क्रिएट किया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ओरिजिनली ये बेडरूम इट इज़ ऑफ कॉम्पैक्ट साइज। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब में आपको प्रॉपर स्टोरेज सब मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको चाहिए हैंगर स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप ये शेल्फ निकाल के नीचे रख सकते हैं। अगर आपको हैंगर स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए तो आपको ये दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, आपको ड्रॉअर स्पेस मिल जाएगा और नीचे आपका सब शेल्फिंग भी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ने स्कर्टिंग लेवल पे ड्रॉअर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके जो भी बाकी जो चीज़ें से जो नॉन इम्पोर्टेंट वो आप रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी कैन सी कि यहाँ पे आपका एक बेड है, तो ये एक सिंगल बेड लग रहा है लेकिन जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग डबल बेड करके पुल आउट टाइप करके यहाँ से दो लोग आराम से सो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डबल बेड वापस सिंगल बेड में अपन हमने कन्वर्ट किया है। और उसके पीछे आप देखेंगे ये क्या चीज़ है, तो ये है टाइल्स है। टाइल्स लगाने का इसका मकसद ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और आराम से कुछ रीडिंग वगैरह करना है तो हम लोग इस तरीके से बैठ जाते हैं तो जो अपना सर का लगा हुआ तेल वगैरह उससे पेंट खराब हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर पूरा टाइलिंग कर दिया गया है। और बाद में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा लाइटिंग की ओर। तो लाइटिंग आप देख रहे होंगे कि इतने सारे लाइट्स हैं लेकिन ये मूड लाइटिंग है। जैसे आपको अगर प्रॉपर ब्राइट लाइट चाहिए तो ये आप जो LED पैनल दिख रहे हैं वो सब आपको लगाने के बाद प्रॉपर लाइट बनेगी। अगर आपको थोड़ा सा मूड बना के थोड़ा कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनना है तो आप इसको बंद करके ये येलो लाइट लगा के आपका रिलैक्सेशन वगैरह मूड सब यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप देखेंगे अगर सेम इसमें हम लोग जो भी है अपना भगवान उसके लिए एक जगह रखी है हमने, ये आपको एक प्रॉपर मेडिटेशन कॉर्नर मिलेगा। यहाँ पे आप मंदिर या जो भी आपका भक्ति है उसमें मंदिर में फ़ोटो मूर्ति रख सकते हैं, उसका जो भी स्टोरेज है हमने यहाँ पे दे दिया है। उसमें आप जैसे अगरबत्ती है, जो भी पूजा का सामान है या आपके जो छोटी किताबें होती है वो सब रख सकते हैं। बाद में हम चलेंगे दूसरे बेडरूम की ओर। ये एक प्रॉपर साइज़ का बेडरूम है, यहाँ पे बेड आ जाएगा। बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा एक फोर डोर आपको वार्डरोब मिलेगा, इसमें सेम स्टाइल में बीच में ड्रॉअर्स और ऊपर नीचे शेल्फ है, हैंगर स्पेस है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, ये स्टोरेज टाइप है,
इसको हमने अंदर दरवाजा करके अंदर शेल्फ्स दे दिए हैं, उसमें आप आपका कॉस्मेटिक्स जो भी है आप रख सकते हैं। हेयर ड्रायर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अटैचमेंट भी दिया गया है, ऊपर इसमें लाइट भी दिया गया है। और बाद में ये जो सीलिंग जो है उसमें भी हम लोग ने सेम आपका लाइट इफेक्ट्स जो भी है सब दे दिया गया है। उसमें आप डबल मोड करके आप काम कर सकते हैं। आपको अगर सिंगल ये चाहिए तो सिंगल लाइट चालू करके, अगर LED चाहिए तो LED चालू करके रख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये एग्जिस्टिंग RCC लॉफ्ट था, इसको हमने कवर करके अंदर पानी का टाकी और बाकी जो डेड स्टोरेज है उसके लिए हमने जगह बना दिया गया है। दोस्तों आपने काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये वीडियो देखा, मेरा प्रोजेक्ट देखा, ये इसलिए शुक्रिया। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि इस सब चीज़ का खर्चा कितना हुआ, क्योंकि दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन एवरीबडी आस्क कि इस सब चीज़ को खर्चा कितना हुआ। तो दोस्तों ये जो सिडको की ई टाइप की बिल्डिंग्स है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, दिस प्लेस वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 12 लाख तक गया हुआ है। ये आंकड़ा देख के आपको शायद थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन इसमें टोटल जो स्लैब था उसका टोटल वाटरप्रूफिंग, जो टेरेस स्लैब है ऊपर उसका टोटल नीचे से पूरा उसका वाटरप्रूफिंग कर दिया गया है। बाद में जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, कॉलम्स बीम्स वगैरह उसका स्ट्रेंथनिंग किया हुआ है। सिविल वर्क जो भी आप देख रहे हैं उसमें फ्लोरिंग आ गया, वॉल टाइल आ गया, आपका ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म आ गया, वो सब कवर कर दिया है। प्लम्बिंग का सब कॉस्ट इसमें आ गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन टोटल विथ कंसील, टोटल इलेक्ट्रिशियन विथ फिटिंग्स, और बाद में आपका जो पेंट फैक्ट्री है वो भी आ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इज कारपेंट्री, जो कि अपना वार्डरोब्स और बेड वगैरह है वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आपके केस में शायद इतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपके बिल्डिंग कंडीशन क्या है उसके ऊपर वो पूरा खर्चा डिपेंड करता है। तो सिर्फ आंकड़ा देख के आप ये मत होना, जो भी आपका कंडीशन है उसके हिसाब से ये रेट वेरी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आपने इतना मेरा ये जो भी प्रोजेक्ट का वीडियो देखा इंटरेस्टिंगली, इसके लिए शुक्रिया। और आपके और मेरे बीच में जो एक मीडिया है, जो मेरे फ्रेंड है मिस्टर गणेश, उनके माध्यम से मेरा काम अब तक पहुंच गया, इसलिए उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते दोस्तों। ऐसा था, ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न रहता मेरे, इनफैक्ट सारे वीडियोस आप देखोगे तो कुछ ना कुछ रीज़न से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके पीछे भी एक रीज़न था कि आपको बेसिक आइडिया मिल सके कि इंटीरियर किस तरह का होता है, कितना एक्सपेंस आता है। चलो, इस यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं जनरली वो हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते हैं, परचेस करते हैं, बट हमेशा लोगों को क्वेश्चन मार्क होता है कि इंटीरियर में कितना पैसा लगता है। तो जनरली एक 1 BHK की जो नीड होती है, तो 1 BHK में क्या क्या लगता है, तो एक वॉल यूनिट होता है, एक सोफ़ा होता है, और एक मॉड्यूलर किचन होता है, और बेडरूम में जो स्टोरेज होगा और बेड होगा। तो अप्रोक्स कितना इसमें एक्सपेंस आता है 1 BHK के लिए? हाँ, आपको अगर ज़्यादा सिविल का काम नहीं है और जो आपने बोला ये सब चीज़ को एक 4.5 to 5 lakhs, एक 5 लाख तक आपका ये पूरा इंटीरियर वर्क, हाँ इंटीरियर हो जाएगा इस इंटीरियर, अगर वो आप प्रॉपर प्लानिंग करके लेंगे तो। ओके, मतलब इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिक कि ये पूरा ऐसा प्लानिंग करके करेंगे तो आपका खर्चा भी कंट्रोल रहेगा और आपको बिफोर एंड मालूम भी पड़ेगा कि कितना खर्चा हो रहा है। तो अप टू 5 lakhs एक 1 BHK में आपको ये पूरा। तो मतलब जनरली आपका प्रोसेस ऐसा होता है कि आप पहले प्रॉपर्टी देखते हो, फिर उसके हिसाब से एक प्लान बनाते हो, और फिर वो प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते हो। यस। ओके। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आपको कहीं पर भी इंटीरियर करवाना है तो आप एक बार इनसे कंसर्न, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ स्पेशल आप कर सकते हैं, कुछ आइडिया सजेशन दे सकते हैं तो आप बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। अभी आपके व्यूअर्स ने इतना पेशेंटली ये देखा, इसलिए एक बार वापस उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि नवी मुंबई एरिया में जो भी आपके प्रॉपर्टी व्यूअर्स है, मतलब ये जो वीडियो देखने वाले, उनके लिए मेरे तरफ से फ्री कंसल्टेशन। अच्छा, तो मतलब बात यह है दोस्तों, अगर आपको अपने कहीं पर भी प्रॉपर्टी ली है और आप कंफ्यूज हो इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कौन से लोकेशन पे क्या प्लेस होना चाहिए, आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्क है, सजेशन है, तो नवी मुंबई के जो भी व्यूवर्स है इनका ये तो वैसे तो काम पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल बिजनेस बेस है वो नवी मुंबई का है। तो आप नवी मुंबई से बिलोंग करते हो और आपको कुछ सजेशन चाहिए तो उसका जो भी सजेशन होगा, कंसल्टेंसी होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी इनका नंबर दिया हुआ है, आपको कुछ भी अगर इनसे कंसल्टेंसी चाहिए, सजेशन चाहिए, या फिर आपको प्रॉपर्टी दिखा के कुछ कोटेशन चाहिए, तो उसका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं होने वाला है। एक बार इनको कॉल करके आप ज़रूर इनको विजिट कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।